जय हिंद। आज बात करेंगे सीआरपीएफ एससीएम और एएसआई दोनों का। जब आप टाइपिंग सेंटर पे टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हैं और आपको जो रिजल्ट होता है कितनी देर में दे दिया जाता है, और आपको क्या वहां पे टाइपिंग करने के बाद में मालूम चल जाएगा कि आपके कितने वर्ड्स टाइप हुए हैं। आप लोगों को बस एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब आप लोग टाइपिंग सेंटर पे जाते हैं, आप जहाँ टाइप करेंगे उस कंप्यूटर के सामने जो चेयर होगी उस पर आप बैठेंगे, तो कंप्यूटर में स्क्रीन पे आपका टाइपिंग का दिखता रहेगा। आप उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके खोल सकेंगे। बताएंगे आपको वहां पे जो लोग रहते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, तो वहां पे आपको जब ऑन कर देंगे तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा कि आपको रोल नंबर, आपका नाम, आप टाइपिंग किस भाषा में करना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद में आप अपना सेंटर, टाइपिंग सेंटर, ये डाल करके वहां पे रुक जाएंगे आप। तो जब बोल दिया जाएगा आपको स्टार्ट, तो स्टार्ट बोलने से क्या होता है कि स्टार्ट बोल दिए वहां पे तो आप चाहे जिस की को टच करोगे तो आपका तब से शुरू हो जाएगा। सभी चीजें देख लेना जो मैं आपको वीडियो में बताया हूं कि कहीं नम लॉक ऑन है, ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है, ऑन है, रिपीट करके आप टाइपिंग नहीं करने हैं। तो आप टाइपिंग करते रहोगे करते रहोगे, तो जब आप फाइनली टाइप कर लेते हो जो आपका कंप्यूटर है वो रुक जाएगा, तो आपको खड़ा हो जाना रहता है। तो आप खड़े हो जाएंगे तो जो कक्ष निरीक्षक होते हैं जो आपके साथ में आगे पीछे जो है चलते रहते हैं, देख रेख में रहते हैं, तो वो प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट आपका देंगे। प्रिंट आउट देंगे तो आपसे साइन करवाते हैं जितने पेज रहते हैं सभी में, ठीक है, रोल नंबर, बाकी सब चीज लिखा रहता है, आपसे सिग्नेचर करवाते हैं। जहां सिग्नेचर करोगे उससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा देखिएगा, वहां पे पूरी समरी बनी रहती है, टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग वर्ड कितने हुए हैं, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, कितना वर्ड टाइप किए हो, कितनी मिस्टेक टाइप किए हो, टोटल आपके कितने वर्ड बन रहे हैं ये भी देगा। और उसमें पास या फेल नहीं लिखा रहेगा, लेकिन इतना लिखा रहेगा कि आपके कितने वर्ड सिक्योर हैं, सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, ये लिखा रहेगा, तो आप उसको देख के समझ सकेंगे। तो वहीं पे आपका रिजल्ट शाम तक, दिन भर टाइपिंग कराएंगे सभी लोगों से, और शाम तक का आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है और बता दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू जी।